असलम एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डू एम एम पी आई उर्दू वरियन हम एम एम पी आई का उर्दू वरियन आज करने वाले हैं और बिकॉज अलॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर दिस आई एम अपलोडिंग इट ऑन माई चैनल डायरेक्टली कि जिस चीज़ ने सीखना है जिस चीज़ ने करना है वो चैनल से ही कर ले एंड आई वु हैव टू डू इट पर्सनली फॉर पीपल ओके सो एम एम पी आई इज मिनीसोटा मल्टी फेसिक पर्सनैलिटी इनवेंट्री एज द नेम एम्प्लाइज इट इज इट वॉज मेड इन मिनीसोटा एंड यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बनाया गया था और नाइनटीन फोर्टी थ्री में हेथवे एंड मेकिली ने मिलकर इसको बनाया था इसको बनाने के लिए जो अप्रोच यूज़ की गई थी वो एम्पेरिकल अप्रोच यूज की गई थी क्राइटेरियन कींग अप्रोच यूज़ की गई थी उस टाइम पे इस टेस्ट को टूल को बनाने के लिए जो जनरल पॉपुलेशन थी फ्रॉम द एजेस ऑफ सिक्सटीन टू फिफ्टी फाइव इफ आई करेक्टली यस सिक्सटीन टू फिफ्टी फाइव के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन की गई थी इस टूल की और इस टूल को जो टेस्ट किया गया था टेस्ट रिलायबिलिटी के लिए और इसकी वैलिडिटी वगैरह देखने के लिए जो इसकी कंपैरिजन uh, किया गया था वो विद द पॉपुलेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट्स किया गया था एंड um, ये जो टेस्ट है ये मोस्ट रिसर्च टेस्ट है ओवर ट्वेल्व थाउजेंड आर्टिकल्स इसके ऊपर बन चुके हैं एक सौ पचास लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हो चुका है वन ऑफ द लैंग्वेज इज़ उर्दू और पाकिस्तान में ये वाइडली यूज़ किया जाता है मोस्टली इन दॉपिटल सेटिंग्स मोस्टली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटिंग्स स्पेशली मेडिकल केसेस के लिए uh, रेफर्ड केसेस के लिए पुलिस केसेस वगैरह के लिए पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए ये यूज किया जाता है इसके वर्जन जो ओरिजिनली 1943 में आया था लेकिन उसके बाद इसके वर्जन आए विच इंक्लूडेड एम एम पी आई ए टू टू आर एफ एंड थ्री जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन की गई थी वो टू फिफ्टी फाइव इन फॉर इंग्लिश वर्जन और जब उर्दू वर्जन इसका बनाया गया और इसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन की गई तो जो इसकी सैम्पल uh, चूज किया गया वो रेंज uh, कर रहा था सिक्सटीन से सिक्सटी फोर तक ईयर्स ऑफ एज डिवेलप किया गया यह डॉलिसेंट्स एंड अडल्ट के लिए और इसको बनाया क्यों गया इसको बनाया इसलिए गया ताकि ऑब्जेक्टिवली असेस किया जा सके पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक्स को स्पेशली वो जो हमारी एडजस्टमेंट्स में आ, काम आती हैं पर्सनल एडजस्टमेंट्स में और सोशल एडजस्टमेंट्स में इनिशियली नाइन स्केल्स बनाए गए क्लिनिकल स्केल्स और हर स्केल को नाम दिया गया अकॉर्डिंग टू द एबनॉर्मल कंडीशन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें एक सब स्केल है पैरानोया सो पैरानोया इज इन इट सेल्फ एन एब नॉर्मल कंडीशन और क्योंकि ये इसकी इस, इस कंडीशन इस की बेस पे बनाया गया था तो इस सब स्किल का नाम ही पैरानोया रख दिया गया और फिर इसको पी ए का कोड दे दिया गया ताकि ये ईजीली uh, जो है इसको मज़ीद इंटरप्रेट किया जा सके मजीद इस पर काम किया जा सके स्केल uh, जो था वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए इंटेंडेड नहीं था कि ये मैयर करे ट्रेड्स को ना ही ये डिस्ट्रिक्ट आइटोलॉजिकल या प्रोग्नोस्टिक एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था औरिजनली इसके जो आइटम्स थे वो थ्री नाइन्टी नाइन थे और असेसर्स ने डवेलपर्स ने यह बात वाजे की कि जो थ्री नाइन्टी नाइन आइटम्स हैं उन तक अगर एक असेसर आ जाता है और उसको लगता है कि उसको वैलिडि वैलिड रिस्पॉन्स मिल गए हैं तो दसेसर कैन स्टॉप एट थ्री नाइन्टी नाइन आइटम ओवरऑल लेकिन उसके बाद के जो आइटम्स हैं वो भी बनाए गए फाइव फिफ्टी ओवरऑल आइटम्स बनाए गए जिसके अंदर जो एक वाइड रेंज रखते हैं जिसके अंदर असेस किया जा सकता है फिजिकल कंडीशन से लेके मॉरल एटीट्यूड्स का तक जैसे कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस का एक सबस्केल है सो so वो फिजिकल कंडीशन को असेस कर रहा है इसी तरह हिस्टेरिया कर रहा है एंड देन बुकलेट फॉर्म में सिक्सटीन मजीद आइटम्स एड कर दिए गए इसकी जो स्कोरिंग है वो दो तरीके से होती है एक मशीन के जरिए से होती है और एक मैन्युअली होती है सो फॉर द असेसमेंट और फॉर द स्कोरिंग थ्रू द मशीन सिक्सटीन मोर आइटम्स वर एडेड तीन टाइप्स ऑफ फॉर्म्स uh, कार्ड फॉर्म जो इंडिविजुअली असेस करने के लिए होता है ग्रुप फॉर्म एंड फॉर्म आर जो हमारा फॉर्म आर है वो उर्दू में मजीद कन्वर्ट किया गया और उसी फॉर्म को हम उर्दू में देखते हैं स्केल्स इसके देखें तो थ्री वैलिडिटी स्केल्स हैं और नाइन क्लिनिकल स्केल्स हैं वैलिडिटी स्केल्स में आपके पास आ जाते हैं लाए, एल एफ वैलिडिटी एंड के करेक्शन स्केल्स। और नाइन क्लिनिकल स्केल्स के अंदर एच एस डिप्रेशन डी हिस्टेरिया एच वाई साइकोपैथिक डेविएशन पीडी मेस्कुलटी एंड एम एफ पेरानोया पी ए साइकनिया पीटी स्कीोफ्रेनिया सी हाइपोमिनिया एम ए और फिर एक एडिशनल स्केल जो इसके अंदर डाला गया वो सोशल इंट्रोवर्जन का था और जो बहुत ज्यादा रूटीनली ऐड किया जाता है एम प्रोफाइलिंग में और कोडिंग में और असेसिंग में और इसको जो ओवरऑल uh, जो इसको कोड दिया जाता है वो जीरो का दिया जाता है नॉट नोट नॉट इट्स जीरो स्कोरिंग की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा था कि स्कोरिंग दो तरीकों से होती है एक मशीन के थ्रू एक मैनुअली पाकिस्तान में मोस्टली मैनुअली स्कोरिंग की जाती है सिक्सटीन ईयर्स या सिक्सटीन से अबव ईयर्स के जो लोग हैं वो एम एम पी आई कर सकते हैं बगैर किसी डिफिकल्टी के जो डिवेलपर्स थे उनका तो ये कहना था कि इसकी कम्प्लीशन uh, के लिए सिक्स ईयर्स ऑफ सक्सेसफुल सक्सेसफुल स्कूलिंग भी होनी चाहिए बट पाकिस्तान में इट कैन बी अप्लाइड एंड इट इज अप्लाइड टू कम्प्लीटली टू पीपल हु हैव नॉट वेंट टू स्कूल इवन फॉर द प्राइमरी क्लासेस उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि असेसर जो होता है असेसर स्टेटमेंट्स um, बोल के बताता है एंड देन दसमेंट ठेकर अपना रिस्पॉन्स बताता है उसके लिए हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे uh, दो जवाब हैं आपने दोनों में से एक जवाब बताना है uh, या आप सही आपने बताना है या गलत अगर जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे या जो स्टेटमेंट मैं बोलूँगा अगर वो स्टेटमेंट आपकी आपके साथ आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं अगर वो स्टेटमेंट ऐसी है कि आपको लगता है कि वो आपके बारे में बता रही है या आपकी सोच की आप मौख है तो फिर वो सूरत में आपने सही बताना है और अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट आपके लिए सही नहीं है या आपको डिफाइन नहीं कर रही या आपके बारे में नहीं बता रही या आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट जो है वो आप आप उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते तो आपने फॉल्स बोलना है गलत बोलना है जो असेसर है वो उनको बताता है कि आप इसमें जवाब खाली भी छोड़ सकते हैं बट बेहतर ये है कि आप सवाल का जवाब खाली ना छोड़िए उसको दोबारा से सोचिए और जो पहला जवाब आपके जहन में आता है आ, सही या गलत में से आप उस पर निशान लगा दीजिए फॉर असेसर दिस इज बेटर बिकॉज अगर आपके पास टेंट इट द एमटी और द लेफ्ट आइटम्स शुड नॉट एक्सीड फ्रॉम टेन ठीक है वो टेन से कम ही होना चाहिए सो so, एनी बिकॉज एनी आइटम दैट इज़ लेफ्ट ब्लैंक इज एलिमिनेटेड ठीक है ओके uh, okay. अब हम क्या करते हैं कि फॉर ऑल द एंसर्स दैट आर मार्क ट्रू एंड आर ट्रू ऑन द कीज हम इनके जो रिप्लाइज होते हैं जो एंसर्स होते हैं रिस्पॉन्स होते हैं उनको हम एंसरिंग uh, कीज होती हैं हमारे पास उन आंसरिंग कीज के साथ मैच करके देखते हैं अगर एंसरिंग की पे एक आइटम का आंसर सही था और इन्होंने भी सही लगाया है दैट मीन्स इट्स मैचिंग विद द खी आइटम तो फिर हम उनको वन मार्क देते हैं

ओके द टी स्कोर द स्कोर ऑन वन स्केल बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एम एम पी आई में काफ़ी सारे सब स्किल्स हैं और हर सब स्किल के टोटल टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं तो हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते थे सो so, उस चीज को ख़त्म करने के लिए टू मेक दम कंपेयरेबल फिगर्स टू कन्वर्ट दैम इन टू कंपेयरेबल फिगर्स इनको कन्वर्ट किया जाता है स्टैंडर्ड स्कोर्स के अंदर एंड दैट स्टैंडर्ड स्कोर्स आर कॉल्ड टी स्कोर्स सो फार्मूला जो टी uh, स्कोर्स का है दैट इज टी इक्वल टू मल्टीप्लाई एक्स वन माइनस एम बाई एस टी यहाँ पे टी इज द टी स्कोर एक्स वन इज द रॉ स्कोर एम इज द मीन एंड एस टी इज द स्टैंडर्ड डेविएशन हाउ एवर हमारे पास जो मैनुअल होता है उसमें हमारे पास टी स्कोर्स का एक टेबल होता है और हमें ये फार्मूला uh, अप्लाई नहीं करना पड़ता वी जस्ट See the raw scores, and then we see in the table ke uske sa t score. K corrections. Achha, uh, so basically, MMPI is an objective assessment tool hai and it has a lot of items, right? Every item asks you a particular thing. And sometimes these, uh, this particular thing is of very personal nature. So look defensive, or distorted responses, bhi ऐसी सूरत में उस चीज को खत्म करने के लिए के करेक्शन जो है वो इसमें ऐड की गई इट्स वेरिएबल अब के करेक्शन में क्या होता है कि टोटल पांच स्केल्स हैं जिसमें हम के करेक्शन अप्लाई करते हैं ओके okay? इन स्केल्स में फॉर एग्जांपल दी स्केल्स आर एच एस दैट इज हिस्टेरिया इफ आई एम मी चेक I don't want to be wrong here. Yes, uh, no, it's a hypochondriasis. So HS hypochondriasis and then uh, PD psychopathic deviation, then PT psychasthenia, and then schizophrenia and then MA hypomania. In scales के लिए हम कई corrections add करते हैं. अब इन कई corrections को कैसे add किया जाता है? HS के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो raw score होता है उसको हम multiply करते हैं 0.5 से एच एस के लिए जीरो पॉइंट फाइव से रॉ को मल्टीप्लाई करते हैं पी डी के लिए जीरो पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करते हैं पी टी के लिए हम जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करते हैं एस सी के लिए हम जीरो पॉइंट वन से मल्टीप्लाई करते हैं एंड जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई करते हैं हम एम ए की सूरत में रॉ कोर्स के साथ और फिर हम उसी जो हमारा आंसर आता है उसको हम मल्टी प्लस कर लेते हैं अपने रॉ स्कोर से फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देती हूँ आपको समझ आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल एच एस पे हाइपोकॉन रियास पे आपका रॉ स्कोर टोटल स्कोर आपका आया रॉ स्कोर एट अब आपने एट को मल्टीप्लाई किया जीरो पॉइंट फाइव से तो आंसर आया फोर अब आपने फोर को वापस प्लस करना है एट से तो आपका आंसर आएगा ट्वेल्व और ये आपका रॉ स्कोर विथ के एडिड हो जाएगा ठीक है विल वेट फॉर दी अजान कोडिंग so, कोडिंग coding. Coding क्यों की जाती है कोडिंग इसलिए की जाती है ताकि प्रोफाइल जो है वो सेफ रह सके और एक क्लिनिशियन ही um, उस प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर सके उस प्रोफाइल को रीड आउट कर सके ओके बिकॉज एज आई सेड अलियर दिस टेस्ट इज एक्चुअली असेसिंग पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एंड इट कैन बी ऑफ मेरी पर्सनल नेचर इसमें दो तरह की कोडिंग uh, यूज की जाती है फर्स्ट इज हैथवे कोड एंड अदर कोड बाय वर्श। सो हेथवे कोड में कोड में वी ओनली लिस्ट हाई एंड लो स्कोर्स। हाई को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में और लो को हम असेंडिंग ऑर्डर में कोड करते हैं बट इन दिस कोडिंग वी ओनली कोड द स्कोर दैट एलिवेट मोर देन द टी स्कोर ऑफ सेवेंटी एज यू रिमेंबर्ड दिस वॉज आर अपर कट ऑफ तो हम जो कट ऑफ से रिमार्केबली करीब होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं एलिवेटेड स्कोर्स होते हैं उनको जो है हम करते हैं कोट करते हैं थर्टी से बिलो होगा कोई या सेवेंटी से अबव होगा तो हम उसको कोट करेंगे इन हेथवे कोर्ट बाय वेल्श में हम क्या करते हैं कि इसमें हमें एक सीरीज ऑफ डिफरेंट सिंबल्स दे दिया गया एंड उस सिंबल के साथ हमें एक रेंजेस दे दी गई इस कोडिंग के लिए ठीक है और इसमें हमने क्या किया कि इसमें हमने एल एफ के जो हमारे वैलिडिटी स्किल्स थे हमने उनको भी कोड करना होता है और इसमें हम कोई भी लेफ्ट आउट नहीं करते हम सब के सब कोड्स जो होते हैं सबके सब जो आ, हमारे पास जो आ, उनके रिस्पॉन्स आ रहे होते हैं सब स्किल्स के ऊपर उन सब को कोड किया जाता है चाहे वो एलिवेटेड हो या एलिवेटेड ना हो इसमें रेंज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अबव नाइन्टी है चीज तो उसको आ, स्टार आह एटी टू एटी नाइन है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास आह सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन है तो उसको एपोस्ट्रोफी इस तरह से सिंबल्स दे दिएगा यहाँ पे एग्जांपल है आप uh, इस स्लाइड को पॉज करके यूट्यूब पर आप अगर देख रहे हो तो इसको पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको समझने के लिए इसको देख सकते हो एंड दिस विल हेल्प यू लेटर ऑन वेलिडिटी इंडेक्सेस सो वैलिडिटी इंडेक्सेस की हम बात करें तो बेसिक वैलिडिटी ऑफ द होल प्रोफाइल कम्स फ्रॉम दी एल एफ एंड के एंड दिस इज वी रेन एंड टी रेन सो एल इज लाई एफ इज वी आर एक्चुअली लाइक इ्स इन फ्रिक्वेंसी तो नहीं है किस अः के कहीं वो रिस्पॉन्स करते हुए बहुत ज्यादा डिफेंसिव तो नहीं हो रहे थे वीरेबल रिस्पॉन्स देन थ्री रेन इज ट्रू रिस्पॉन्स इन अगर हम वी रेन की बात करें तो देर आर फोर्टी सेवन पेयर ऑफ आइटम्स दैट मस्ट बी एंसर सिमिलरली और दिट डन फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है आइटम नंबर फोर है कि आप, आप uh, मुझे अपनी माँ के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है सो इफ अ पर्सन से इज़ सही ट्रू दिस इज़ ट्रू फॉर मी आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई मदर एंड देन दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ओके इट डजेंट मीन के वहां पर वो यही आइटम है सो आइटम नंबर फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी से मुझे अपनी माँ के साथ वक्त बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है सो नाओ द पर्सन हैज़ टू से गलत और रोंग राइट अगर वो इसी तरह से रिप्लाई करेगा रिस्पॉन्ड करेगा कि जहाँ पे uh, दो इन पेयर्स में से एक पेयर को सही कहा तो दूसरे पेयर को भी सही कहा या एक पेयर को सही कहा और दूसरे को गलत कहना चाहिए था लेकिन उसको भी सही कर दिया कह दिया तो ये चीज़ यहाँ पे हम चेक कर रहे होते हैं वीर के अंदर a uh, client gets a pair of each inconsistent uh, response a completely random response set results in t scores of 96 for m and 98 for f okay equivalent responding t is equal to 50 यहाँ पे हम टी इज इक्वल टू फिफ्टी को देख रहे होते हैं टी रू इन ट्रू रिस्पॉन्स ऑपोजिट इन कंटेंट कंटेंट में कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं आइदर ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स टू असेस एक्सेंट और नॉन एक्सेंट ट्रिक रिस्पॉन्डिंग लार्ज रॉ स्कोर इज इक्वल टू ट्रू रिस्पॉन्डिंग अगर लार्ज रॉ स्कोर आ रहा है यहाँ पे तो हम कहते हैं कि ट्रू रिस्पॉन्डिंग हुई है वाइल स्मॉलर रॉ स्कोर इज इक्वल टू फॉल्स रिस्पॉन्डिंग Raw scores should be between 6 and 12 in order to consider the profile valid. So what is FB? It's not Facebook. FB is Back In Frequency Items for Later Part. Okay, so now when we talk about validity scales, ab hum scales ki baat karenge one by one. वैलिडिटी स्केल्स की हम बात करें कि बेसिक एजम्पन वैलिडिटी स्केल्स वॉर दैट क्लिनिकल पॉपुलेशन नॉट बी एबल टू आंसर फॉर्ट राइट लाई अगर हम देखें इफ द लो एस सी एस एंड एजुकेशन विल फॉल इन टू नाइव सोफिस होता है कॉम्पोनेंट ऑफ ऑल रिस्पॉन्डिंग लाइव a, a so to to, uh, अच्छा, स्केल so क्या बता रहा होता है ये बता रहा होता है कि सब्जेक्ट जो है जो हमारा टेस्ट um, टेकर है जो टेस्ट गिवर uh, है वो कितना अटेम्प्ट कर रहा है अपने स्कोर्स को गलत करने के लिए जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे जवाब दे रहा है जिन जवाबों की वजह से सोसाइटी उसे बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करेगी या उसे अच्छा समझेगी कहीं वो ऐसा कर रहा है सो हाई एल स्कोर डज नॉट एंटायरली इनवेलीट दिया था। अगर हमारा लाए uh, स्कोर जो है लाए स्केल जो है उस पर स्कोर जो है वो बहुत हाई आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी स्कोरिंग uh, गलत है या इनवेलिड है प्रोफाइल ठीक है uh, बस इसमें ये है ये हमें इंडिकेट करता है हाई स्कोर कि जो ट्रू वैल्यूज हैं वो शायद हायर होंगी जैसे पैरानोया पे अगर ट्रू वैल्यूज जो आ रही हैं वो सेवन आ रही हैं तो इट इज़ अ प्रॉबिलिटी कि वो एट या नाइन या टेन हो सकती हैं हायर हो सकती हैं और कुछ केसेस में मे बी ऑफ इन अच्छा इसके बाद हम वैलिडिटी स्केल्स की बात करें तो वैलिडिटी स्केल जो एफ स्केल है हमारा वो हमारे पूरे रिकॉर्ड को यानी हमारे पूरा जो हमारा प्रोफाइल है जो पूरा हमने टेस्ट असेस किया है उसको वैलिड देख रहा होता है कि वैलिड है कि नहीं अगर स्कोर हाई होगा एफ पे तो आप ये कंसिडर करोगे कि बाकी के जो स्कोर हैं बाकी सब स्किल्स के वो इनवैलिड हो सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट या तो केयरलेस था या वो आइटम्स को समझ नहीं पाया या एक्सटेंसिव स्कोरिंग हुई या रिकॉर्डिंग एरर्स हुए ये रीजंस हो सकती हैं बिहाइंड हाई एफ स्कोर अगर आपका एफ स्कोर जो है वो रो लो है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट्स के जो रिस्पॉन्स थे वो रैशनल थे पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्स रैशनल थे एंड रिलेटिवली पर्टिनेंट थे यानी आपका जो एफ स्कोर है वो लो ही आना चाहिए अगर वो हाई आएगा तो योर प्रोफाइल बॉज लाइकली टू बी इनवैलिड के स्कोर की अगर हम बात करें तो इट इज यूज एज अ करेक्शन फैक्टर जैसे कि मैंने पहले बताया इसको एज अ करेक्शन फैक्टर के तौर पर यूज किया जाता है टू शार्पन द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ क्लिनिकल वेरिएबल्स मैड बाई इनमें वेरिएबल के तौर पर ये बेसिकली देख रहा होता है टेस्ट टेकिंग एटीट्यूड को और एल और एफ के एटीट्यूड के साथ कोरिस्पॉन्डिंग होता है ठीक है मैयर होता है उनका ये सटल होता है और डिस्टॉर्टिंग फैक्टर के तौर पे यूज किया जाता है हा हाई के स्कोर रिप्रेजेंट डिफेंसिवनेस अगर इसका जो स्कोर है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा डिफेंसिव था अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वीकनेसेस और ये भी इंडिकेट करता है कि डेलिब्रेट डिस्टॉशन कर रहा था

तो ये है कि वो डेलीबरेटली अटेम्प्ट कर रहा था बैड स्कोर्स लेने के लिए या बैड इंप्रेशन डालने के लिए मैनुअल में इसको प्लस गेटिंग के वर्ड से रिप्रेजेंट uh, किया गया अच्छा यूजर्स ऑफ एम एम पी आई शुड बिकम इंक्विटेड लिटरेचर रिलेटिव टू के बिफोर मेकिंग इंडिपेंडेंट यूज ऑफ द वेरिएबल इसके बाद वैलिडिटी स्केल्स के फौरन बाद हम डिसमेशन इंडेक्स निकालते हैं डिसिमुलेशन इंडेक्स क्या होती है हम एफ की वैल्यू को के की वैल्यू से माइनस करते हैं और ये देखते हैं इंडिकेट करने के लिए ये करते हैं कि कहीं वो फेक बैट तो नहीं कर रहा था या फेक गुड तो नहीं कर रहा था

बॉडीली फंक्शंस को लेके, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपको फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि मुझे हर वक्त सर में दर्द रहता है हर वक्त मैं मेरा तो सर फट रहा होता है दर्द से या हर वक्त मेरे तो घुटनों में दर्द रहता है या हर वक्त मुझे तो चक्कर आते रहते हैं सो एब नॉर्मल कंसर्नस अबाउट बॉडिली फंक्शन को मैयर करने के लिए हाइपोकॉन्ड्र स्केल्स यू यूज हो रहा होता है अगर इस स्केल uh, पे हाई स्कोर्स आ रहे हूँ तो ये हमें बताते हैं हाई स्कोर्स कि ये इंसान जो है अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहता है और ज्यादा कंप्लेन करता है पेन्स की और डिसऑर्डर्स की जो नॉर्मली उसके ऑर्गेनिकली जो है ऑर्गेनिसिटी जो है जिनकी प्रूव नहीं हो चुकी होती अच्छा हाइपोकॉन्ड्रियाकल कंप्लेन और हिस्टेरिकल कंप्लेन का डिफरेंस क्या होता है हाइपोकॉन्ड्रियक्टल कंप्लेन डिफर फ्रॉम हिस्टोरिक हिस्टोरिकल कंप्लेन बॉडिली माल फंक्शन जो हाइपोकॉन्ट होता है इज ऑफन वेग इन डिस्क्राइबिंग हिस्स कंप्लेन वो वेग होता है और उसके क्लियर एविडेंसेस नहीं होते ठीक है उसके सिम्टम्स के और वो मोस्टली सिंपथी ले रहा होता है एग्जैजरेट कर रहा होता है अपने फिजिकल सिम्टम्स को हाइपोकॉन्ड्रियाक्ट जो होता है With, psych with psychological treatment, a high score may often be improved, but the basic personality is unlikely to change radically. Uske the depression scale? Aata hai. Obviously, it's uh, checking, it's measuring depressive symptoms. Um, the depression may be the chief disability of the subject, or of it may accompany or be a result of other personality problems. High score indicates poor morale, morale of emotional type. With with a a feeling of uselessness and inability to to assume a normal optimism with regard to the future, जिसको हम आम जबान में hopelessness कहते हैं ठीक है अब क्या होता है कि certain cases में हमारा जो depression होता है वो हुआ होता है जिसको जिसको नाम दिया गया है manual के अंदर smiling depression में कि जो देखने से पता नहीं चलता लेकिन हमारे स्केल का काम ही ये है कि उस छिपे हुए को, डिप्रेशन को भी पॉइंट आउट कर लेना या फाइंड आउट कर लेना हाई स्कोर सजेस्ट जो इंसान है वो र, जब भी उसके ऊपर कोई स्ट्रेस आया है तो वो डिप्रेशन से उसने उसका जवाब दिया उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है वो बहुत ज्यादा वरी करता है नैरोस ऑफ इंटरेस्ट है बहुत और इंट्रोवर्जन है डिप्रेशन स्केल टूगेदर अगर डिप्रेशन स्केल एच एस और एच वाई स्केल्स के साथ देखा जाए तो इट विल आइडेंटिफाई ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ दोज पर्सन नॉट अंडर मेडिकल केयर वो आर कॉमनली कॉमनली न्यूरोटिकेल एज इंडिविजुअल सो एब नॉर्मल एज टू नीड साइकेट्रिक अटेंशन यानी हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी आ रहा है उसके अंदर और हिस्टेरिया भी आ रहा है और साथ में डिप्रेशन भी आ रहा है अगर इन तीनों में हाई स्कोर्स आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि उस इंसान को साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है ठीक है सम हाई स्कोरिंग पर्सन विल चेंज रादर रेपिडली इन इन रिस्पॉन्स टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट और टू हेल्प पैपटॉक्स एंड साइकोथेरेपी ओके द हिस्टेरिया स्केल एच वाई स्केल अब हम एच वाई स्केल की बात करें तो ये हमें बताता है द डिग्री टू विच द पार्टिसिपेंट इज लाइक पेशेंट्स हु हैव डिवेलप्ड कन्वर्जन टाइप सिम्टम्स कन्वर्जन टाइप सिम्टम्स अब क्या होते हैं इफ़ यू डोंट नो कॉमेंट बिलो आई मेक अडियो ऑन दैट एज वेल कन्वर्जन डिसऑर्डर एफ जिसको अब हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कह कहते हैं सिस्टेमिक कम्पलेन्स uh, और मोर स्पेसिफिक कम्पलेन सच एज पेरालिस कॉन्ट्रक्चर्स राइटर स्क्रैम्स इंटेस्टनल कम्पलेन गैस्ट्रिक और कार्डिय सिम्टम्स देखा अब ये भी बॉडिली फंक्शन की ही बात हो रही है इसीलिए मैंने हाइपोकॉन्ड्रियास और हिस्टेरिया को पहले डिफ्रेंशिएट किया इनके पास एविडेंसेस होते हैं उनके सिम्टम्स के सब्जेक्ट विद हाई एच आल्सो स्पेशली लायबल टू एपिसोडिक एटी अटैक्स ऑफ वीकनेस पेंटिंग और इवन एपिल इनको बाकायदा जो है सिम्टम्स वो विजिबल एविडेंट होते हैं डेफिनेट सिम्टम्स पर्सन विद अ हाई स्कोर but under stress he is likely to become overtly hysterical and solve the problems confronting him by the development of symptoms similar type symptoms it's written that this scale fails to identify a small number of very uncomplicated conversions hysterias which may be quite obvious clinically and with a single or very few conversion symptoms the hysterical cases are more immature psychologically than any other group although their symptoms can be often can be miraculously elevated by some conversion of faith or by appropriate therapy there's always the likelihood that the problem will appear if the stress continues or reoccurs okay as in the case of hypochondriasis the subject or the participant with a high HY score may have real physical pathology, either as a prime result of concurrent disease, such as diabetes or cancer, or as a secondary result of the long time presence of psychological symptoms. Psychopathic deviation, that is PD. आ जाता है पीडी डी स्कोल, स्कोल स्केल की अगर हम बात करें तो इट सिमिलरिटी ऑफ सब्जेक्ट टू अ ग्रुप ऑफ परसन मेन डिफिकल्टी लाइज इन देयर एबसेंस ऑफ डीप इमोशनल रिस्पॉन्स यानी कि अग ये मैर कर रहा होता है कि लोग जो ऐसे लोग जो इमोशनली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते इनएबिलिटी uh, होती है उनको अपने एक्सपीरियंस से सीख नहीं पाते अपने एक्सपीरियंस से लर्न नहीं कर पाते और uh, अपने सोशल मोड्स को डिसरिगार्ड करते हैं इवन सो कि किस दे आर डेंजरस टू दैमसेल्व और अदर्स डीज पर्सन आर कॉमनली लाइकेबल एंड इंटेलिजेंट ऑन द दर्फेस ये लोग लाइकेबल होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सोशल मोराल्स वगैरह इनके जो होते हैं दैट आर क्वेश्चनेबल ओके एक्सेप्ट बाय द यूज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस थॉट टेंट टूअर्ड्स दैब नॉर्मल इज फ्रीक्वेंटली नॉट डिटेक्टेड जब तक वो इस तरह के किसी टूल से उनको असेस uh, ना किया जाए तब तक उनके अंदर पाई जाने वाली ये जो बाकी प्रॉब्लम्स uh, हैं वो असेस नहीं होते हैं द मोस्ट फ्रीक्वेंट डिग्रेशन फ्रॉम द सोशल मोडस आर लाइंग अच्छा नॉर्मली ये लोग क्या कर रहे होते हैं झूठ बोलना चोरी करना अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन सेक्चुअल इमोरलिटी क्योंकि ये बिहाइंड द कर्टन हो रहा होता है तो आप uh, फ्रंट ये लोग लाइकेबल और इंटेलिजेंट होते हैं एंड दिस स्केल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दिज पीपल Some active professional persons have high PD scores, but their breaks, uh, if any, are either disregarded by others or effectively concealed. Okay, interest scale. MF, masculinity and femininity. This the interest scale. What is the difference between the tendency towards masculinity or femininity of interest pattern? अच्छा इसमें हम सेपरेट टी स्कोर यूज किए जो करते हैं फॉर मेल्स टी आर सेपरेट एंड फॉर फीमेल्स द टी स्कोर इसमें एम एफ में हाई स्कोर का मतलब ये होता है कि इस इंसान के अंदर डेविएशन है ऑफ बेसिक इंटरेस्ट पैटर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑपोजिट सेक्स इंस्पायर्ड बाई टर्मन इंड माइल्स आइटम्स वर सेलेक्टेड बाई कम्पेरिजन ऑफ मेस्कुलन विद फेमिन Every item finally chosen for this scale indicated a trend in the direction of femininity or the part of male sexual inverts. Males with high, high or very high MF scores have infrequently been found to be either overt or repressed sexual inverts. However, homosexual abnormality must not be assumed on the basis of a high score cannot yet be safely assumed to have similar clinical significance and the interpretation must be limited to measurement of general traits. The MF score is often important in vocational choice. Generally speaking, it is well to match a subject vocationally with work that is appropriate to his MF level. The next scale is paranoia scale. The PA scale was derived by contrasting normal persons with a group of clinical patients who are characterized by super, uh, su suspiciousness over sensitivity and delusions of persecution with or without expensive egotism. जैसे कि आप जानते हैं पैरानोया होता है कि जब एक इंसान को बहुत ज़्यादा सस्पिशसनेस होती है कि लोग मेरे पीछे हैं लोग मेरे खिलाफ़ हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है डिलीजन होती हैं उसको बहुत ज़्यादा इरेशनल बिलीफ होता है कि लोग मेरे खिलाफ़ प्रोपगेंडा कर रहे हैं या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे द डायग्नोसिस और यूजली पैरानोय स्टेट एंड पैरानोइ्स स्किजोफ्रेनिया जिन लोगों के साथ इसको स्टैंडर्डाइज किया गया था वो क्लिनिकल पेशेंट्स थे जो नॉर्मली या मोस्टली फॉल कर रहे थे अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरानोया पैरानोया पैरानोइड स्टेट और पैरानोड स्किया बॉर्डर लाइन पैरानोया अपियर्स टू सो नॉर्मल वैन ही इज ऑन गार्ड इंड सो क्विक टू बिकम लिटीजियस एंड टेक एक्शन वीचफुली अगेंस्ट एनी वन टू कंट्रोल हिम नॉर्मली आप हर इंसान में पैरानोय uh, डिटेक्ट नहीं कर सकते There are paranoias uh, hidden in people, especially borderline jo paranoia, hota hai, it's well hidden until it gets triggered. So it should be needless to add that person receiving very high scores in this scale must be handled with special appreciation of these implications. Valid scores of 80 and above on this scale are nearly always significant of disab disabling abnormality. The range from 70 to 80 must also be checked by clinical judgment. इसके बाद आ रहा है हमारा साइकिसनिया स्केल इट मयर्स सिमिलरिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू हु आर ट्रबल्ड बाय फोबियास और कंपल्सिव बिहेवियर्स जैसा कि मैंने बल्फ बताया कि इस इस स्केल का मकसद है मयर करना फोबियास या कंपल्सिव बिहेवियर्स को द कंपल्सिव बिहेवियर्स नेक्सप्लेसिड जैसे किसी कोई बहुत ज्यादा हाथ धोता है या बहुत ज्यादा मेडिसिन लेता है अपना बहुत ज्यादा यू नो कुछ लोग अपने कपड़े बहुत ज्यादा धोते हैं बार बार धोना बार बार हाथ धोना इस तरह की एक्टिविटीज और इम्प्लेसिड जो नजर नहीं आती एक्सप्लिसिट जो हमें नजर आ रही होती है जो नजर नहीं आ रही होती अम्म जैसे कि बार बार किसी सोच का आना और उस सोच को झटक ना पाना उस सोच से जान ना छुड़वा पाना ऑब्सेसिव आइडियाज का आना ऑप्सिव थिंकिंग का आना और फोबिया में क्या आ जाएगा ऑल टाइप्स ऑफ अनरीजनेबल फियर्स यानी चीजों से ज, जो बहुत ज्यादा डर होता है बहुत शदीद किस्म का डर होता है किसी चीज से और वो चीज भी ऐसी हो कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक भी ना हो ठीक है जैसे कुछ लोगों को क्लाउन्स से बहुत डर लगता है मेनी पर्सन शो फोबिया और कंपल्सिव बिहेवियर्स विदाउट बींग ग्रेटली इनकेप्सिकेटेड नॉर्मली अगर एक शख्स बार बार कहता है कि मुझे तो बिछू से बहुत डर लगता है तो वी डोंट टेक मच ऑफ एक्शन अगेंस्ट एट इट्स लाइक इग्नोर्ड और इनकैसीटेटेड सच माइनर फोबियाज आर फीयर ऑफ स्नैक्स और स्पाइडर्स विद सच कम्पलशन काउंट ऑब्जेक्ट्स सीन इन आर रेयरली डिसिप्लिन फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान है जो हमेशा ताला चेक करता है घर से निकलने से पहले यू uh, नो घर, छो, you know, घर छोड़ने से पहले तो नॉर्मली इसको इग्नोर कर दिया जाता है इस चीज़ को but frequently a psychiatric tendency may be manifested merely in a mild depression excessive worry lack of confidence or inability to concentrate pt is correlated to negligible degree with other scales except for the sc scale there is um, देर इज अंडरस्टैंडेबल डिप्रेशन टू ए कंपनी एबनॉर्मैलिटी एबनॉर्मली हाई स्कोर जो पीटी के स्कोर है उनको हम एस सी स्कोर के साथ देख रहे होते हैं द बेसिक पर्सनैलिटी पैटर्न ऑफ द साइकिस इंडिविजुअल इज रेलेटिवली डिफिकल्ट टू चेंज बट इन साइट एंड रिलीफ फ्रॉम जर्नल स्टेट में लीड टू गुड एडजस्टमेंट अच्छा अब हम uh, जो हमारा हमारा जो साइकस्थिनिया स्केल है पी टी स्केल है उसमें जो हम रेंज देख रहे होते हैं टी स्केल्स की वो सेवेंटी टू एटी है जो डिसेबलिंग एब को रिप्रेजेंट कर रही होती है और अगर सेवेंटी से अबव एटी से एटी या एटी से अबव आ रहा है तो हम उसको सब्जेक्ट आ, को हम जो है शुड बी चेक ज़ुण, क्लिनिकल जजमेंट और उसके बाद हमारे पास आता है स्किजोफ्रेनिया स्केल The schizophrenia scale, as the name mentions, measures the similarity of subjects' responses to the patients who are characterized by bizarre and unusual thoughts or behaviors. There is a splitting of the subjective life of the schizophrenia person from reality so that the observer cannot follow rationally the shifts in the mood or behaviors. The SC scale distinguished between about 60% of observed cases diagnosed as schizophrenia in the Minnesota University hospitals. It does not identify some paranoid types of schizophrenia, which, however, usually score high on PA, and certain other cases which are characterized by relatively pure schizoid behavior. It is probable that one or two additional scales will be necessary to identify the later cases, but this is not surprising in the light of frequently expressed psychiatric opinion that schizophrenia is not a clinical entity, but a group or rather heterogeneous conditions. The clinician should be very hesitant to apply the diagnostic term of schizophrenia because of its bad implications. Ninth scale Hamarepa Sajata hypomania scale. So, hypomania scale measures the personality factor characteristics of persons with marked overproductivity in thought and action. Pata hai hypomania. Jo hai, wo lesser state hoti hai, mania ki. Although the real manic patient is the lay person's prototype for the insane, the hypomanic person seems just slightly off normal responses. The hypomanic patient has usually got into trouble because of undertaking too many things. He is active and enthusiastic. A principal difficulty in the development of this scale was the differentiation of clinically hypomanic patients from normal persons who are merely ambitious, vigorous, and full of plans. Contrary to common beliefs, he may also be somewhat depressed at times. His activities may interfere with the other people through his attempts to reform social patterns, his enthusiastic stirring up the projects in which he then may lose interest. For example, kind of project, for example, I, um, for example, I a shop and then usko it in the They different plans, different ideas and then they do not end up. With, uh, completion of those ideas in the later connection, he may get into trouble with the law. A fair percentage of patients distinguished diagnosed with psychopathic personality (CPD) are better hip hypomaniac. The scale Kelly identifies about sixty percent of diagnosed cases and yields a score in the sixty to seventy range for the reminder for scores around 70 the problem of normality ranges more upon the directions of overreactivity rather than upon the absolute zero even extreme cases tend to get better with time but the conditions tend to reappear periodically the social introversion scale social introversion scale uh, the zero scale it measures the tendency to withdraw from social contact with others since on a, uh, appreciable sex differences were found for the standardization population score are used for both males and females SI is not a clinical scale not a clinical scale. in strict sense of being chiefly for use with the hospitalized patients it is however valuable for use with the normals and has been widely used in counseling and guidance work uh, I mean, I mean, that this is the clinical johamari पॉपुलशन है एडमिटेड पेशेंट है उनके लिए नहीं बट ओवरऑल जनरलेशन के लिए यूज किया जाता है स्केल फॉर एक्साम्पलिश कॉलेज वुमेन हु इंगेज इन फ्यू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फ्राम दोज हु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट सो गेट टू सब्सक्राइब इफ आई गेट मोर कॉमेंट्स और एटलीस्ट 20 comments about scoring MMPI. So, I'll also upload a video about how to score MMPI. Um, thank you. That's it for today. And don't forget to share the video with other psychology students. Don't forget to subscribe if you haven't already. And I'll see you next time. This is part of a series, and next time it will be SPM. I'll be um, I'll be uploading a video about SPM standard progressive mattresses. So stay tuned. Bye bye.